जी, तो हम उपस्थित हैं चंदौली के रामगढ़ में बाबा कीनाराम के जन्मस्थली पर, जहां पर माँ दुर्गा मेडिकल स्टोर के सौजन्य से आकाश हॉस्पिटल वाराणसी द्वारा निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है। तो आइए जानते हैं कैंप में आए हुए कीनाराम, बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय लल्ला सिंह के द्वारा। तो आदरणीय लल्ला सिंह जी, क्या आप कैंप के बारे में अपना क्या सुझाव देना चाहेंगे कि ऐसे कैंप से लोगों से क्या बेनिफिट मिला और या इस कैंप में और क्या जुड़ा जाए जिससे लोगों को बेनिफिट हो सके? ये बाबा कीनाराम जी की जन्मस्थली है, यहाँ सेवा भाव से जो लोग आते हैं उनको बाबा कीनाराम जी का आशीर्वाद के साथ साथ उनका दिनों दिन उत्तरोत्तर विकास होता है। आप लोगों ने जनता की सेवा की है, बाबा कीनाराम ने भी गरीबों मजलूमों और अतीमों की सहायता किया था। वो कहते भी थे कि गरीबों की सेवा कभी बाएं नहीं जाती है। और औरंगजेब के समय में जब उन्होंने उनसे औरंगजेब को फटकार लगाई तो उन्होंने कहा कि आया तो बार बार बुलावा अमीर का, मगर हम सौदा कर न सके अपनी जमीर का। अरे उनकी अताएं खास भी लेना हराम है, जो शख्स जानता नहीं रुतबा फकीर का। तो ऐसी संत के जन्मभूमि में आप लोग आकर के अपना निःशुल्क सेवा योगदान दे रहे हैं, इससे जनता के लाभ के साथ आपको भी दुआएं मिलेगी बाबा की, इससे आप उत्तरोत्तर विकास करेंगे और साथ साथ जनता आपसे जुड़ेगी, आपसे लगाव होगा। तो आपके द्वारा हमेशा यह जनता आपके कैंप के लिए मांग करेगी। हम लोग भी चाहेंगे कि आप इस कैंप को बराबर महीना, चार महीने, छः महीने, तीन महीने का एक वह बना लीजिए, ताकि इस क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिले। इससे सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का मैं आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को बारंबार बुलाने की मैं चेष्टा करता हूं, आप आवें, सेवा करें। आपका जो भी सहयोग होगा, यह गांव, यहां के लोग आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। ये चाचा, आप अपना नाम बताएं? रामराज यादव। रामराज यादव, किस चीज़ की दवा लेने? आकाश हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क शिविर में उपस्थित है डॉक्टर डी के श्रीवास्तव जी। आइए जानते हैं डॉक्टर श्रीवास्तव जी से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। डॉक्टर साहब, आप बताएं ये कौन कौन सी मशीन आपके पास उपलब्ध है और इस मशीन से? हमारी जो थेरेपी है TCM इसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंतर्गत आता है। 5000 साल पुरानी ये पद्धति है, जो एक्यूप्रेशर से एडवांस रूप में इलेक्ट्रो एक्यूपंचर के रूप में आई हुई है। इस मशीन के माध्यम से हम विभिन्न रोगों में, जैसे साइटिका का दर्द हो, माइग्रेन हो, किसी को नपुंसकता की बीमारी हो, आजकल बहुत सारे कम उम्र के लड़कों में दिक्कत आ जाती है, यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाती है, उस तरह की इससे थेरेपी करने से हम बहुत आसानी से उनके रोगों को दूर कर सकते हैं। तो इसको इलेक्ट्रो एक्यूपंचर के तहत लगाया जाता है और हम आकाश हॉस्पिटल में बैठे हैं। आप जो भी कोई समस्या हो इससे संबंधित आप आ सकते हैं।